ऐसी परिस्थिति नहीं होती जिस परिस्थिति में आज बिहार है। अगर फरक्का नहीं होता, अगर फरक्का हट जाता तो बिहार का पानी बिल्कुल स्मूथली निकल गया रहता, ये परिस्थिति तो नहीं रहती। या फरक्का का डिजाइन डिस्चार्ज या इसका जो भी फिटिंग है उसका अगर ये सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता तो ये परिस्थिति नहीं। बिहार में गंगा नदी ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इससे पहले 2016 में भी इसी तरह की बाढ़ गंगा में आई थी जिससे लाखों लोग परेशान हुए थे और उस समय बिहार सरकार ने आवाज उठाई थी कि गंगा में सिल्टेशन की वजह से या फिर फरक्का डैम की वजह से ये बाढ़ आ रही है और पानी का फैलाव, गंगा के पानी का फैलाव ज्यादा हो रहा है। आज भी स्थिति जस की तस है। 2016 में जिस लेवल पर पानी था उसके करीब, बेहद करीब है 2021 में। हमारे साथ खुद सिंचाई मंत्री संजय झा हैं। 2016 में आप लोगों ने बात की, आज 21 है, स्थिति वही है जस की तस। हाँ, आज भी परिस्थिति ये है कि जो 2016 में हाईएस्ट फ्लड लेवल था गांधी घाट में पटना में वो था 50.52 और आज सुबह का 10 बजे तक का जो है वो 50.39 के आसपास पहुंच गया गांधी घाट में, लगभग पहुंच गया, उसके आसपास पहुंच गया। तो इतना पानी गंगा में, उसका और भी वजह है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश हो गया तो चंबल का पानी, सोन से पानी अन्य जगहों का हो जाता है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि फरक्का का जो डिजाइन और डिस्चार्ज का जो बना हुआ है वो 27 लाख क्यूसेक पानी जाता है उससे, और कल गांधी घाट में 32 लाख क्यूसेक पानी निकल रहा था। आगे और भी नदियां मिलती हैं, गंडक मिलेगा, महानंदा मिलेगा, कोसी मिलेगा, तो आप ये समझिए जो कितना पानी वहां जा रहा है। डिस्चार्ज होगा 27 लाख, उसमें भी 10-12 गेट बंद कर देता है। और डेलिबरेटली है क्या इस तरह गेट बंद करना? और ये नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कल भी चेक किया, हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर वहां पर है, तो कल पता चला कि 8 गेट जो है उसका बंद है, क्योंकि उसको वो लोग वहां रिपेयर कर रहे हैं। अब फ्लड के टाइम में रिपेयर कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, पूरा सिल्ट उसके अपस्ट्रीम में जमा है, तो फरक्का तो सोख हो गया है, फरक्का बराज है, और मैं पहली बार देख रहा हूं कि ऐसा कोई बराज है जो इतना दिन से है, इतना 50 साल हो गए, तो उसका जो रेट्रोफिटिंग है, डिजाइन है, उसको तो जरूर बदलना चाहिए। अगर 27 लाख ही उसका डिजाइन डिस्चार्ज है, जब पता है कि इतना पानी वहां से जा रहा है, तो उसके पूरे चीज को तो जरूर बदल करके जो उसका जो स्कोप है और बढ़ाना चाहिए कि जो जो डिस्चार्ज फास्ट हो। इसीलिए पटना से आप समझिए फरक्का जाने में पानी को, जो कि 375 किलोमीटर है, उसको जाने में 8-9 दिन लग जाता है उस पानी को। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति फरक्का के ऊपर भागलपुर से लेके बक्सर तक क्या स्थिति बनती होगी। लेकिन मंत्री जी, आप लोगों ने 2016 में ये बड़ा जोर शोर से उठाया था, फरक्का को भी यहाँ तक कहा गया कि डिमोलिश कर दिया जाए उसको, सिल्टेशन हटाया जाए गंगा में, उस समय आप विपक्ष में थे, आप केंद्र की सरकार में नहीं थे, आज आप केंद्र की सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, फिर ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है बिहार के साथ? नहीं, हम लोग तो बात रखे भी है, पीछे भी जा करके मैं मिला था जो जल शक्ति मंत्री है लास्ट ईयर, और ये हम लोगों का लगातार ये रहा है कि जो फरक्का में, मैं तोड़ने की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि उस पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा देख करके उसको, उसका रेट्रोफिटिंग, उसका डिजाइन डिस्चार्ज को बढ़ाना, ये अब एसेंशियल हो गया एक। और सेकेंड, ये जो ऊपर में पानी जमा रहता है 7 दिन 8 दिन 9 दिन, और जो गाद होल्ड रहता है वो पूरा गाद जम गया है, तो पानी का फ्लो बिल्कुल स्लो हो गया, जो हम लोगों के इंजीनियर्स है जो और लोग जाकर के असेसमेंट करके दे रहे हैं, तो वो जब तक डिसिल्ट नहीं करेंगे तो एक जरूर राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल सिल्ट पॉलिसी आना चाहिए, जो मुख्यमंत्री लगातार मांग करते रहे, नहीं तो ये साल दर साल ये प्रॉब्लम, और ये बिहार सरकार अपने स्तर से तो नहीं कर सकती, अब वो इंटरनेशनल ट्रीटी के से रिलेटेड है, दो स्टेट के बीच की बात है, इसमें जरूर हमको लगता है कि टाइम आ गया है कि इंटरवीन करके फरक्का बराज का जो भी कुछ रास्ता निकालना है वो इमीडिएटली निकालना चाहिए भारत सरकार। अब हम ये कह सकते हैं कि जो बाढ़ की स्थिति आज पैदा हुई है बिहार में, वो
फरक्का की देन है, चाहे वो सिल्टेशन हो चाहे वो डिस्चार्ज हो। लार्जली यस, लार्जली पानी तो आता है, बाढ़ कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति नहीं होती जिस परिस्थिति में आज बिहार है। अगर फरक्का नहीं होता, अगर फरक्का हट जाता तो बिहार का पानी बिल्कुल स्मूथली निकल गया रहता, ये परिस्थिति तो नहीं रहती। या फरक्का का डिजाइन डिस्चार्ज या इसका जो भी फिटिंग है उसका अगर ये सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता तो ये परिस्थिति नहीं होती। केंद्र सरकार सब क्या कर रही है? नहीं, हम तो जरूर चाहेंगे कि एक बार टोटल असेसमेंट करके, जो मैंने आपको बताया कि कितना पानी गंगा में जा रहा है और फरक्का में कितना पानी निकल सकता है, ये तो बड़ा गैप है ना, तो जरूर इस बैकग्राउंड में केंद्र सरकार को फरक्का का जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट रीडिजाइन करना चाहिए, एक। और सेकंड, इसके अपस्ट्रीम में जो सिल्ट जमा हो गया है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर ये दो चीज हो जाता है तो गंगा के किनारे जितने शहर या लोग बसे हुए हैं उनको राहत मिल पाएगी। अभी क्या स्थिति है, आप क्या कैसे कहेंगे लोगों से कि पानी कम होगा बढ़ेगा, लोग क्या? कल तक तो हम लोग भी तनाव में थे कह सकते हैं, पूरा डिपार्टमेंट और सरकार, कि जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा था और पूरा इलाहाबाद से लेके और यहाँ तक जो परिस्थिति थी, लेकिन अब इलाहाबाद में फॉलिंग है, बनारस में फॉलिंग है, अभी ये जानकारी मिली बक्सर में भी फॉलिंग शुरू हो गया है, अभी जो पटना का एरिया है, कल हथीदा में 2016 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो फ्लड लेवल है, वो कल सुबह तक ये है कि अभी 50.39 मीटर है और कल सुबह तक ये 50.41 तक जाने की संभावना है। तो कल सुबह के बाद पटना में भी गंगा नीचे की तरफ जाएगा और जो वेदर का फोरकास्ट भी है तो इमीडिएटली दो तीन दिन कुछ ऐसा नहीं दिखता है, तो कल से राहत मिलेगी।